हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड, बिना सिलाई बिना स्टिचिंग। कोई सुई धागा नहीं चाहिए, कोई सिलाई मशीन नहीं चाहिए, कोई ग्लू स्टिक नहीं चाहिए, कोई धागा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें कि आपको टाइम वेस्ट करना पड़े। तो मैं आपको बिना सिलाई के मास्क बताना सिखाऊंगी, क्विक एंड ईजी मास्क जो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और आप हैंकी ही नहीं, किसी भी एक्स वाई जेड कपड़े का भी, आप रफ कपड़े का भी बना सकते हैं। इस तरह से घर में जो कॉटन के कपड़े होते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। और ये हमें चाहिए उसके लिए कुछ रबर बैंड, आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह के जो छोटे रबर बैंड होते हैं उस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इन दो रबर बैंड्स को इस तरह से, दो से तीन या चार रबर बैंड को अगर नहीं है तो इस तरह से आपस में टाई कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि किस तरह से रबर बैंड को आपस में टाई करना है, एक नॉट लग जाए ताकि ये ईजिली निकले नहीं। तो चलिए हम सीखते हैं मास्क बनाना। ये हमारा हैंकी है, काफ़ी लेंदी है, तो पहले इसकी ये जो चौड़ाई है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके इसको एक बार मैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये काफ़ी सफिशिएंट होगा इतना मास्क, और आप जितना चौड़ा चाहे उतना रख सकते हैं। उसके बाद हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से कितना मास्क हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो ये देखिए, इतना मास्क का एरिया हमारे लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपको लगता है कि ये कम या ज़्यादा है तो अपने अकॉर्डिंग उसको फोल्ड कर सकते हैं आप इस तरह से। तो ये हमने इसकी चौड़ाई देख ली और लंबाई देख ली इस तरह से करके, तो हमें इतना मास्क का एरिया हमारे लिए सफिशिएंट है हमारे फेस को कवर करने के लिए मास्क। तो अभी हमें क्या करना है, अगर आप इस तरह के रबर बैंड ले रहे हैं तो वो काफ़ी है, एक काफ़ी है। और आप इस तरह के रबर बैंड अगर आपको बड़े मिल जाते हैं तो सही है, सिर्फ बड़ा एक रबर बैंड मिलता है तो वो भी सही है। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह के रबर बैंड किसी भी पैकेट्स में मोस्टली आपको मिल जाते हैं, तो इस तरह के रबर बैंड, या फिर ये 5 या 10 रुपीज़ का पैकेट आता है, छोटा सा पाउच आता है 5 रुपीज़ का, एंड एक छोटी सी बॉटल आती है वो 10 रुपीज़ के। तो इस तरह से मैं नॉट लगाना आपको सिखा देती हूँ कि आप 2 से 3 रबर बैंड को किस तरह से आपस में नॉट लगा सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे रबर बैंड को दो से तीन रबर बैंड को एक साथ जोड़ करके आप बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको ये इस तरह से अटैच करना है और ये आपस में क्रॉस करते हुए निकाल देना है। फर्स्ट रबर बैंड को इसी तरह से, ये देखिए, इस तरह से पकड़ के इस तरह से क्रॉस निकाल देना है, और इसी तरह से आप इसके अंदर और रबर बैंड जोड़ करके बड़ा रबर बैंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाती, ये हमने फोल्ड कर लिया है तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये रबर बैंड हमने ले लिया है तो इसको हमें क्या करना है, जो हमारा फेस हम जब कवर करेंगे तो इस पोर्शन को हमें यहाँ से, और हम इसको इस तरह से दोनों साइड से हम इधर भी अपना एक रबर लगा देंगे। देखिए, इस तरह के रबर बैंड है, इसको इस तरह से लगा करके, और यहाँ जितना हमने मेजर किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा सेंटर में कर लें इसको इस तरह से। और ये जो आपस में जो हैं इनको आपको क्या करना है, आप एक दूसरे के, ये देखिए इस तरह से होल है, तो इसको आप फोल्ड करके थोड़ा सा इस तरह से अंदर की साइड फिल कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतना प्रोटेक्शन आपका अच्छा होगा, क्योंकि 2 से 3 लेयर वाला मास्क जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है। इस तरह से आप इसको सिक्योर कर ले, और ये देखिए आपका ये वाला जो पोर्शन जो है ये आपका अंदर की साइड कवर हो गया, मैंने एक दूसरे के अंदर पैक कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से इधर से आप चाहे तो सेम कलर का भी ले सकते हैं, और ये आपका ईयर के पीछे लग जाएगा, और ये रबर बैंड जल्दी से टूटता भी नहीं है, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हैंकी का, और फिर बाद में इस रबर बैंड को निकाल के एज अ हैंकी भी आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
शेयर करेगा ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो मैं इसको आपको पहन के भी दिखाती हूँ अभी।